वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज के दिन हम बात करते हैं अपने कुछ शेयर्स के बारे में जिनके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। जैसे कि आपके सामने मैंने ओपन किया, इस शेयर का नाम है DCB बैंक लिमिटेड। इस शेयर का जो करंट प्राइस है वो करीब 93 रुपीज़ 20 पैसे है और इसकी जो डे हाई में इसकी क्लोजिंग हुई थी वो 0.98% इसने हाई पे अपनी डे की क्लोजिंग दी है। अब आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी 8 अक्टूबर को, तो मैं 8 अक्टूबर का जो मेरा टारगेट था उसके बारे में बात करूंगा और इसका अगला टारगेट अब क्या होगा इनके ऊपर बात करूंगा। जैसा कि आपके सामने आया हूं, तो यहां पर मैंने जैसे यहां ओपन किया इसका लेवल, 8 अक्टूबर को जो इसका प्राइस था वो 90 रुपये 40 पैसे था और आपको याद होगा मैंने जो आपको SL दिया था 89 रुपीज़ का SL दिया था। मैंने कहा था अगर कोई भी इसे अब ट्रेड करना चाहता है तो 89 रुपीज़ के SL के साथ इसे ट्रेड कर सकता है। तो और मैंने ये भी कहा था अगर ये कुछ दिन 90 रुपये के ऊपर सस्टेन रहेगा तो आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा पीक आपको देखने को मिल भी सकता है। तो आज के टाइम में आप देखोगे ये करीब अपने 50 DMA के सपोर्ट के आसपास है जो 93 रुपीज़ 25 पैसे है। अगर ये जैसे कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगी, अगर ये 93 रुपीज़ 25 पैसे जो इसका डे का क्लोजिंग प्राइस है अगर इसके ऊपर सस्टेन रहा 10 से 11 बजे तक, तब उस कंडीशन में आने वाले टाइम में आपको ये शेयर करीब 100 रुपये के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। तो इस कंडीशन में अगर ये शेयर जैसा मैंने आपको बताया 93 रुपीज़ 20 पैसे के ऊपर सस्टेन रहा, यानी सपोज करो 94 रुपीज़ के आसपास चला गया, तो उस कंडीशन में जो हमारा SL आएगा वो 93 रुपीज़ का SL आएगा, तब आपने 93 रुपीज़ के SL के साथ इसे ट्रेड करना है। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर के बारे में जिसका नाम है मानिक शाह कोटेड मेटल्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। इस शेयर का जो करंट प्राइस है 18 रुपये इसका करंट प्राइस है और इसकी जो डे की क्लोजिंग है वो करीब 13.56% डे हाई पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी 18 सितंबर को और जो मैंने उस समय टारगेट बताया था उसके ऊपर बात करते हैं। जैसा कि आपके सामने 18 सितंबर को इसका जो प्राइस था, क्योंकि 18 सितंबर को सैटरडे था तब हम 17 सितंबर का जो प्राइस है उसे कंसिडर करेंगे। जैसा कि आपके सामने है तो 17 सितंबर का प्राइस था करीब 14 रुपये 40 पैसे और मैंने कहा था कि एक पैनी शेयर है तो अगर इसमें मूव आया तो एक अच्छा खासा मूव आएगा, नहीं तो कई टाइम तक ये एक ही प्राइस बैंड के अंदर भी घूमता है। तो मैंने सिर्फ SL पे फोकस किया था, तो उस समय जो मैंने SL दिया था इसके ऊपर वो मैंने जैसे 50 DMA का जो सपोर्ट है यहाँ पर, और ये सपोर्ट जो हमारा है वो करीब 13 रुपये 20 पैसे के आसपास का सपोर्ट है। उससे मैंने कहा था करीब 13 रुपये 20 या 20 पैसे के आसपास के SL से आपको ये ट्रेड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 50 DMA का सपोर्ट है और ये शेयर 14 सितंबर के आसपास इसने अपना 50 DMA का सपोर्ट को ब्रेक करके अच्छा खासा मूव दिखाया था। तो जैसे ही आपके सामने है कुछ टाइम तक इस प्राइस बैंड पे सस्टेन रहा, उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी आई और उसने जो मैंने SL दिया था 13 रुपये 20 पैसे उस SL को इसने ब्रेक नहीं किया और एक अपसाइड से एक अच्छा खासा मूव दिया। आज की डेट में ये अपना जो 52 वीक हाई है उसे ब्रेक कर चुका है। तो इस कंडीशन में अब आने वाले टाइम में इसमें और भी अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है, पर हमें अब SL में फोकस करना चाहिए। जैसा कि आपके सामने इसका जो हाई था 19 रुपये इसका हाई था, जो भी न्यू बायर है वो तब तक इस शेयर को बाय नहीं करेंगे जब तक ये 19 रुपये के ऊपर सस्टेन ना हो जाए। अगर 19 रुपये के ऊपर सस्टेन हुआ तो उस कंडीशन में 18 रुपये का SL रखना है। और जैसा कि इसका ये अपना ऑल टाइम हाई है तो पूरे चांस है आने वाले टाइम में इस शेयर में और भी ज़्यादा अच्छे मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर, इस शेयर का नाम है नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इस शेयर का जो करंट प्राइस है 78 रुपीज़ 05 पैसे और इस शेयर ने जो इसकी डे की क्लोजिंग हुई है वो करीब 13.20% इसने डे हाई पे अपनी क्लोजिंग दी है। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने जब इनके ऊपर वीडियो बनाई थी तो 24 सितंबर को वीडियो बनाई थी और 24 सितंबर के बाद आप इन तीनों में से कोई भी शेयर देख लेना, सबके प्राइस में अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिला है। तो आज सिर्फ नेटवर्क 18 के बारे में बात करेंगे और मैंने डिटेल वीडियो बनाई है टीम के जिसमें फंडामेंटल भी बताएं, आप चाहो तो वीडियो प्ले करके देख लेना 24 सितंबर की। अब बात करते हैं लेवल की। जैसा कि आपके सामने है 24
24 सितंबर को मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, और उस समय ये इसका प्राइस था 51 रुपये 50 पैसे। और आपको याद होगा मैंने जो आपको SL दिया था, मैंने 50 रुपये का SL दिया था, क्योंकि उसमें जो सपोर्ट आ रहा था 50 DMA का, वो उस टाइम 50 रुपये के आसपास था। और मैंने कहा था कि अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो इस टाइम में बिल्कुल सही टाइम है, आप ट्रेड कर सकते हो, पर 50 रुपये के SL के साथ। और मैंने ये भी कहा था कुछ ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है तो एक सपोर्ट हमारे पास 47 रुपीज़ का आएगा, पर फिर भी 50 DMA को ब्रेक करना अभी मुश्किल था इसके लिए। तो इसने 50 रुपये से अच्छी खासी रिकवरी करी और आज की डेट में इस शेयर का प्राइस है करीब 78 रुपीज़ के आसपास। आपकी डेट में अगर कोई इसे ट्रेड करना चाहता है, देखो लॉन्ग टर्म का किसी का प्लान है या कोई महीने 1.5 महीने रखना चाहता है, मत रखना, सिर्फ ट्रेड करना है 75 रुपीज़ के SL के साथ। अगर कोई अभी इसे ट्रेड करना चाहता है तो 75 रुपीज़ के SL के साथ ही ट्रेड करे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।